हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मनीष रावत। और आज मैं ये डिजिटल थर्मामीटर है इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जो कि मेरे मशरूम फार्मिंग के यूज़ के लिए मैंने लिया है। और इससे पहले मैं ये अल्कोहल थर्मामीटर था, इसे यूज़ कर रहा था, लेकिन काफ़ी बार हाथ से छूटने की वजह से ये टूट जाते थे, तो मैंने एक बार ये मंगाया है। तो इसकी आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें ये प्रोडक्ट फीचर्स दे रखे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर एक्यूरेसी, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है। इसका प्राइस है उसमें दे रखा था 499, लेकिन ये मुझे 209 रुपये का मिला है। ये देखिए, यहाँ सेल लगता है इसमें। ये चार बटन दे रखे हैं, एक है ऑन ऑफ का, एक सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ये होल्ड के लिए है, टेम्परेचर अगर हमें बैग का लेने के बाद होल्ड करके रखना है। उसके बाद ये मैक्सिमम और मिनिमम, ये ऑन हो गया है अभी। ये देखिए, वर्क करना शुरू हो गया है, 24.325, ये फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस। अब इससे हम टेम्परेचर होल्ड का बटन दबाएंगे तो होल्ड हो गया, अभी ये हम इसे टच करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो अब हम इन दोनों को अपने बैग में लगाकर यूज चेक करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये मैंने ऑयस्टर मशरूम के बैग लगाए हैं और इसमें अभी माइसेलियम रन चल रहा है। अभी आज फोर्थ डे है, तो अभी हम इसमें टेम्परेचर इसका चेक करते हैं। और ये टेम्परेचर दिखा रहा है 25.56 इस तरीके से, और इसमें 21, 22 और धीरे धीरे बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये मैंने बैग में जब दोनों लगाए थे इसमें 1 या 2 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, आपने भी देखा था। तो मैंने ये अभी डिजिटल थर्मामीटर है इसको रिप्लेस के लिए डाला है, हो सकता है इसमें दिक्कत हो, है ना। तो जब भी वो आ जाएगा उसे मैं दोबारा से यूज़ करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।